हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि JBL Live 200BT जो कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन है, तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से। तो उसको आज मैं दिखाऊँगा एंड इसकी करेंगे रिव्यू कि इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मैं इसे रेटिंग्स भी दूंगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो JBL का लाइव 200BT, जो कि यहाँ पे JBL का ब्रांडिंग भी दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस, यहाँ पे एक ब्लूटूथ का है, यहाँ पे ब्लूटूथ सिंबल भी, यहाँ पे इसको दबाने से आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और आपके मोबाइल में दिख जाएगा। और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये वॉल्यूम का है, प्लस माइनस वॉल्यूम की। और यहाँ पे हमें दिख जाता है पावर की, जो कि ये पावर बटन, जो कि ऐसे दबाने से यहाँ पे लाइट जलता है। तो ये है वो पावर बटन, तो ये है वो पावर बटन जो कि यहाँ पे लाइट दबाने से लाइट जलता है। यहाँ पे दिखता है कि आपका ब्लूटूथ ईयरफोन ऑन है कि नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग का है, इसको ऐसे हटाने के बाद यहाँ पे चार्जिंग का, ये देखिए पोर्ट मिला, जो कि सब टाइप के चार्जर में अवेलेबल हो जाएगा, चार्जिंग हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक इंडिकेटर है, मैं आपको दिखाऊँगा चार्जिंग करके। और फिर अब आते हैं इसके ईयरफोन पे, जो कि ये है। और दोस्तों आपको मालूम ही है JBL म्यूज़िक सिस्टम का राजा है पूरा, उसका आवाज़ बहुत अच्छा था JBL का। और ये देखिए इसमें भी JBL लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका ईयरफोन का साइज़ बहुत अच्छा, और यहाँ पे इसके रबड़ भी बहुत चीज़, इसमें आपको कान में दर्द नहीं देगा, और इसे कान में लगा के आराम से रख सकते हैं 2-3 घंटा के लिए, अगर आपको जो भी सुनना। और इसका आवाज़, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी दोस्तों, आपको मालूम है कि JBL बहुत अच्छा एकदम है। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉडल नंबर दिया हुआ है, ये देखिए मॉडल नंबर दोस्तों आप देख ही सकते हैं। ये है वो मॉडल नेम, यहाँ पे लाइव 200BT लिखा हुआ है, ये आप मेरे को दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसे कैसे कनेक्ट करते हैं अपने एंड्रॉयड से, चलिए वो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये फ़ोन को ले आ चुका है, तो ये है वो फ़ोन। यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ को ऑफ कर दे, ऑन कर देता हूँ, और अब मैं इसे ऑन करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे वाइट पर वाइट जल गया, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। तो मैं इसका ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ, फिर 2 मिनट दबा के रखिए 2 सेकेंड के लिए। और अब देखिए, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि JBL का लाइव 200BT का आ चुका है। तो यहाँ पे इसे पेयरिंग करेंगे, मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे करते हैं इसे। तो ये अभी पेयरिंग आएगा कुछ समय के बाद, ये आपका पेयर फ्री हो जाएगा। तो तब के लिए देखते हैं, अभी रुकते हैं। और दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि ये पेयर हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है डायरेक्ट। ये थोड़ा टाइम लेता है, आप जब नया डिवाइस में करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लेता है उसका आईपी एड्रेस को लेने में, और तब जाके ये कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसा अब आते हैं इसकी रिव्यू की तरफ। आपने देख ही लिया कि कैसे इसे कनेक्ट करते हैं अपने एंड्रॉयड से, तो ऐसे ही आप अपने एंड्रॉयड से कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे मुझे पहले डाउट था कि कैसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर मैं समझ गया कि इसे कैसे, क्योंकि इसके जो जो शुरू शुरू में जो यूज़ करते हैं ना बिगिनर लेवल, तो उनको हल्का दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया उन लोगों के लिए, ताकि वो आराम से देख के इसे सीख सकें कैसे कनेक्ट करना है। तो अब रिव्यू को शुरू करते हैं, तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो फिर मैं इसे दूंगा 5 में से 5 स्टार, क्योंकि आपको तो मालूम है JBL का चीज़ है, JBL का तो एकदम नो डाउट आँख मूंद के विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि JBL बहुत अच्छा ब्रांडिंग है। मैं ऐसे यहाँ पे कोई स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे JBL का चीज़ बहुत अच्छा लगता है, JBL का दोस्त किसी से नहीं अच्छा लगता है। तो अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आके ले सकते हैं आराम से। अमेजन का या फिर फ्लिपकार्ट का दोनों का मैं लिंक दे दूँगा। और ये ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर, जो भी आपको कलर चाहिए वहाँ पर मिलता है, अवेलेबल है वहाँ पर अमेजन में या फ्लिपकार्ट में, दोनों में, तो वहाँ से आके ले सकते हैं। तो ये
मॉडल। और आपको मैं एक बात बताना भूल ही गया कि ये देखिए ये एकदम लचीला है, एकदम फ्लेक्सिबल है पूरा, यहाँ पे आप टूटेगा भी नहीं एकदम। देखिए एकदम टूटे, एकदम कुछ भी कर लीजिए, एकदम आराम से चौड़ा मोड़ा कर दीजिए पूरा, ये टूटेगा ही नहीं। ये मुझे इसकी बहुत अच्छी खास बात लगी। और इसकी बैटरी बैकअप अगर आप 100% चार्ज कर देंगे ना, तो आपका लगभग पूरा दिन ही चल जाएगा, आराम से पूरा दिन चल जाएगा। और चार्जिंग में मिनिमम आपका 3 घंटा ले, फिर 2 घंटा लेता है, ज़्यादा मिनिमम 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा, वो आपका डिपेंड करता है कि कब कितना देर आप चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने इसे चार्ज लगभग मैं इसे 2-3 घंटे चार्ज करता हूँ, तो आराम से ये 100% चार्ज हो जाता है। और इसे मैं पूरा दिन यूज करता हूँ और रात में चार्ज करके लगा देता हूँ। तो ये मुझे इसकी ख़ास बात लगी। बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, इसके लिए लाइक कर दीजिए। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे ये मॉडल बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कर दीजिए बोले बिना, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।